नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। आप देख रहे हो टेक ऑफ लाइफ चैनल और लेकर आया हूं मैं आपके लिए कुछ कमाल के टेक न्यूज़। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, वन प्लस 8 प्रो की तरफ से इसके कुछ फोटोज और स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं, जिसमें देखने से पता चलता है कि ये 8 GB रैम के साथ दो वेरिएंट में आएगा। पहला वेरिएंट है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल और दूसरा है 8 GB रैम 256 GB इंटरनल। और जैसा कि सभी फ़ोन में आजकल 865 स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आ रहे हैं, इसमें भी वही होगा और 6.5 इंच का स्क्रीन होगा। इसमें आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी और 50 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों हॉनर 9X लाइट की तरफ से, इसका एक फ़ोटो लीक हुआ है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ड्यूल कैमरा होगा, दोनों ही कैमरे 48 MP के होंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों LG V60 की तरफ से, इसके कुछ इमेजेस लीक हुए हैं दोस्तों। इसके इमेजेस को देखकर कुछ यूनिक सा फील हो रहा है, जिसके बैक साइड में आप देखकर पता लगा सकते हैं कि इसके बैक साइड में कितने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। और आप खास तौर पर बैटरी भी बड़ी सी देख सकते हैं, जिसमें 5000 mAh की बैटरी रहेगी इसमें। अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी बर्ड प्लस की तरफ से, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आए हैं, जिसमें आपको 85 mAh की बैटरी मिलेगी इस बर्ड में और इसका प्ले टाइम होगा 11 आवर और इसके कवर की बैटरी होगी 270 mAh की, जिसमें आप रखकर इस बर्ड को चार्ज कर सकते हैं और टॉक टाइम आवर है दोस्तों 7.5 घंटे। अगली खबर निकल कर आई है दोस्तों IQ3 की तरफ से, इसके ऑफिशियल फोटोज लॉन्च हुए हैं, जिसमें इसमें क्लियरली नेम तो नहीं बताया गया कि अगला कौन सा फ़ोन ये लॉन्च करेंगे, लेकिन देखने से इस इमेज को पता लग रहा है कि ये अगला फ़ोन IQ3 ही होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अगली खबर की, तो ये खबर है 24 कैरेट गोल्ड TV की। जी हाँ दोस्तों, 24 कैरेट गोल्ड TV की, तो एक एक्वाविजन नाम की कंपनी ने इसको बनाया है, जिसकी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1 करोड़ इसकी कीमत है दोस्तों। अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों रियलमी की तरफ से, रियलमी के CEO माधव सेठ ने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगला आने वाला फ़ोन रियलमी का सुपर एलमोड स्क्रीन हो सकता है और उस फ़ोन में एक फीचर दिया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आने पर उस फ़ोन में चारों तरफ LED लाइट फ्लैश होगी अलग अलग कलर की, जो आप सेलेक्ट किए होंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कमाल के टेक न्यूज़ लाता रहूँ। सो गुड बाय दोस्तों, वंदे मातरम।